स्टूडेंट्स, यूनिक ऑनलाइन गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछली क्लास में अपना जो पोटेंशियल के बारे में है, अपनी इलेक्ट्रिक चार्जेस के पोटेंशियल के बारे में और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और इलेक्ट्रिक वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, ये सब पढ़ लिया था। हाँ, कहा था कि कैपेसिटेंस स्टार्ट करना है। कैपेसिटेंस एक नया चैप्टर है, आप मान सकते हैं बिल्कुल नया चैप्टर है, यूनिट वही है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। हम यहाँ पर भी स्टैटिक चार्जेस के बारे में बात करेंगे, मतलब जब चार्जेस रुके हुए होते हैं, उनमें मोशन नहीं होता है, उस टाइप में बात करेंगे। लेकिन एक दूसरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, अब एक उसका अप्लाइड कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं कैपेसिटेंस। तो एक कैपेसिटेंस समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कैपेसिटर क्या होता है। थोड़ा सा यहाँ पे अंतर है ना, जैसे आपको कोई चीज़ है आपको पहले प्रॉपर्टी जाननी होती है, फिर आपको जानना होता है उस कोई डिवाइस उस पर कैसे वर्क कर रही है। जैसे कि आपको पहले जानना होता है, अगर मान लीजिए आपको पंखे की स्टडी करनी है, तो पहले आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कैसे चलती है। ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक करंट है, अगर हम कह रहे हैं एक कंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी इस करंट की। अगर यहाँ पे हम कहते हैं करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी इस करंट की, ये सब जानेंगे तब हम क्लियरली समझ पाएंगे कि पंखा कैसे चलता है। लेकिन अगर आपको ये चीज़ समझनी है, तो आपको पहले पता तो होना चाहिए कि ये चीज़ हमें क्यों पढ़नी है, हमें करंट के बारे में क्यों पढ़ना है। उसी तरह हमें कैपेसिटेंस अगर पढ़ना है, तो हमें पहले ये जानना होगा कैपेसिटेंस के बारे में क्यों पढ़ना है, हमें क्या काम है कैपेसिटेंस का। तो आपको उसके लिए पहले वो चीज़ पढ़नी पड़ेगी, थोड़ी सी जाननी पड़ेगी जिसमें इस चीज़ का यूज़ होता है मेनली, और वो क्या है। जैसे आपको अगर करंट के बारे में जानना है, तो कि आप हम करंट की स्टडी क्यों करते हैं, तो उसके लिए आपको जानना है आपको क्यों हम पंखे को जानना है कि हमें फ़ैन कैसे चलता है, ये लाइट्स कैसे ऑपरेट होती हैं, कैमरा कैसे ऑपरेट होता है, ये बोर्ड जो हमारा इलेक्ट्रिक बोर्ड है कैसे इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, कैसे ऑपरेट होता है। तो आपको ये जानने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी पड़ेंगी। तो पहले हम कैपेसिटर जानेंगे क्या होता है, फिर कैपेसिटर कैपेसिटेंस के प्रिंसिपल पे काम करता है, तो कैपेसिटेंस क्या होता है वो पढ़ेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हमें कैपेसिटेंस क्यों पढ़ना है, उसके लिए हमें पहले कैपेसिटर जानना पड़ेगा। तो क्या होता है कैपेसिटर भाई, थोड़ी सी पहले मार्किंग करते हैं कि आपको कहां से कहां तक दिखेगा। इधर आपको यहां तक, यहां से अगर जाएं तो कुछ यहाँ तक दिखेगा, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ तक, ठीक है। अभी क्योंकि हम फ्रेम से बाहर नहीं जाएंगे, हमें इजी रहेगा जानने में। अभी इसको मैं मिटा सकता हूँ, ये मार्किंग्स को, मुझे समझ में आ गए, ठीक है। कैपेसिटर के बारे में पढ़ते हैं, कैपेसिटर क्या होता है। तो आप अगर लिखना है आपको, सिंपल आप लिखिए डिवाइस, एक ऐसी डिवाइस है जिसका किस लिए यूज होता है, डिवाइस यूज टू स्टोर चार्जेस, ठीक, मतलब स्टैटिक चार्जेस के लिए, स्टैटिक मतलब रुके हुए चार्जेस, चार्जेस को स्टोर करने के लिए अगर एक डिवाइस होता है उसे स्टोर यूज करते हैं। जैसे वायर क्या होता है भाई, वायर जानने, वायर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसा मतलब चीज़ होता है जिसको हम क्या कहते हैं, डिवाइस नहीं कहेंगे इसे, एक ऐसा एक डिवाइस का पार्ट है, एक जान लीजिए एक वायर, जिसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, करंट के फ्लो को देखने, करंट को फ्लो कराने के, मतलब एक जगह से दूसरी जगह अगर हमें करंट फ्लो कराना है तो एक कंपोनेंट बोलेंगे। हाँ बिल्कुल सही शब्द आया है, ये कंपोनेंट बोलेंगे, एक डिवाइस नहीं है, कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है वायर, इसका क्या यूज है इसका, एक जगह से दूसरी जगह करंट को फ्लो कराने के लिए, करंट को कंडक्ट कराने के लिए। उसी तरह कैपेसिटर क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम चार्जेस को स्टोर करते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्जेस को स्टोर करते हैं। अब हम जानेंगे चार्जेस को कैसे स्टोर होते हैं, चार्जेस को स्टोर कैसे करते हैं, क्या होता है। देखिए आपको सिंपल समझ लीजिए कि हम कह रहे हैं ये, यहाँ से इसे मूव कीजिए थोड़ा थोड़ा सा छोटा करके, एक यहाँ पे एक सरफेस है, मान लीजिए स्फेयर है, एक यहाँ पे स्फेयर का है, 3D में स्फेयर, हाँ एक छोटा सा स्फेयर हम बनाएंगे, ये देखिए स्फेयर एक है। अब इसके बारे में हमने कहा कि इस पर चार्जेस बहुत सारे हैं, कैसे मतलब है चार्जेस स्टोर हैं,
अब चार्ज स्टोर करने का तरीका इससे पहले हमने देखा है कि नहीं देखा है, जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में जब पढ़ा था तो आपने वहाँ पे पढ़ा है कि अगर एक जैसे अभी मेरे तो फिलहाल बाल हैं नहीं, अगर आपके बाल थोड़े बड़े हों तो सूखे बालों में अगर ड्राई हेयर हैं उस पर आप कंघी को ऐसे कंघी करके रगड़ के कंघी को फिर एक छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों के पास लेकर जाएंगे तो उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो क्या हो रहा है कि हमने वहाँ पे चार्ज स्टोर नहीं किया है, मतलब चार्ज एक टाइप ये स्टोर हो लेकिन हमने वहाँ पे चार्जेस बाहर से ला के रखे नहीं हैं। वो क्या किए हैं कि जो ये चार्जेस थे हमारे बाल के उसके ये आपस में अट्रैक्ट आपस में इसके क्या बोलते हैं इसे फ्रिक्शन की वजह से, आपस में फ्रिक्शन होने की वजह से क्या हुआ है कि एक दूसरे में चार्जेस का ट्रांसफर हो गया है। तो उसकी वजह से आप चार्जेस स्टोर हो गए हैं वहाँ पे जा करके, वहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव वहाँ पे पॉजिटिव, दोनों में से कोई एक हुआ तो वो चार्ज हो गई है और वो पेपर्स को अट्रैक्ट करिए पेपर के छोटे छोटे क्लिप्स को। और अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी वही चीज़ है कि हमने चार्जेस को स्टोर कर दिया है। तो मान लीजिए एक सरफेस है, एक स्फीयर है जिसपे ऐसे पॉजिटिव चार्जेस रखे हुए हैं स्टोर किए गए हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम चार्जेस को स्टोर करेंगे तो क्या होगा, इसका जो पोटेंशियल है वोल्टेज जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, जो पोटेंशियल है इस पॉइंट का इस स्फीयर का वो बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई चार्जेस अगर बढ़ रहे हैं तो उसका जो अपना पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपना जनरेट करेंगे वो भी बढ़ता जाएगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे क्यू चार्जेस हैं, टोटल जो हैं टोटल क्यू चार्जेस स्टोर हैं वहाँ पे, और कितना उसका वोल्टेज है वी, ठीक है वी वोल्ट है। अब बात ये आती है कि अगर इसको ये जो चार्जेस हैं अगर इसको हम बढ़ाना चाहें कि हम थोड़ा और चार्ज स्टोर कराना चाहते हैं तो क्या करना होगा हमें, हम बाहर से चार्जेस लाएंगे। लेकिन क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये चार्जेस लीक कर जाएंगे, क्या होगा ये चार्जेस लीक कर जाएंगे, हम इसके एक पॉइंट के ऊपर उस पर चार्ज नहीं स्टोर कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो पॉइंट है, ये जो हमारा स्फीयर है, इसके वोल्टेज को हमें बढ़ाना होगा। क्या है, हमारा जो स्फीयर है उसका जो वोल्टेज है वो हमें बढ़ाना होगा, मतलब उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें उसके सरफेस में और बाहर एटमॉस्फेयर में वो हमें इंक्रीज करना होगा। और जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे हमारे जो चार्जेस है वो बढ़ जाएंगे। और तो क्या है, कैपेसिटेंस को ऐसे हम डिफाइन करते हैं। कैपेसिटर क्या है, एक डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करती है, ये भी एक कैपेसिटर है। एक स्फीयर है ना जिस पर चार्जेस हैं, स्टोर चार्जेस, तो ये भी एक कैपेसिटर है। अब इसके बारे में कैपेसिटेंस वाले के बारे में पढ़ते हैं कि कैपेसिटेंस क्या है। तो ये कहेंगे हम कैपेसिटेंस, यहां पे लिख देते हैं कि हम कैपेसिटेंस अब पढ़ेंगे। ये आपको समझ में आया कि चार्जेस हैं इनको स्टोर कराया गया है कि स्फीयर पे, ये फिगर हम हटाते हैं अभी और दूसरा एक फिगर बनाएंगे और उसे एब्स्ट्रैक्ट इतनी ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे उसमें हम। कैपेसिटेंस क्या है, द रेशियो ऑफ, आप ये कह लीजिए द रेशियो ऑफ कैपेसिटी, आप समझ लीजिए सिंपल उसकी कैपेसिटी कितनी है चार्जेस के स्टोर करने की, यही बताता है कैपेसिटेंस। क्या बताता है कि इस कैपेसिटर की जो डिवाइस है उसका चार्ज स्टोर करने की, वो डिवाइस नहीं कहेंगे हम कंपोनेंट को, उस कंपोनेंट की या उस जो ऑब्जेक्ट है उसकी चार्जेस को स्टोर करने की कैपेसिटी को मेजर हम करते हैं कैपेसिटेंस से। तो होता क्या है कैपेसिटेंस, द रेशियो ऑफ द टोटल चार्ज स्टोर्ड, द रेशियो ऑफ टोटल चार्ज स्टोर्ड, ये निकालने का तरीका है कैपेसिटेंस का, ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑन द कैपेसिटर आप कह सकते हैं बिल्कुल, कैपेसिटर मतलब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें हम चार्ज स्टोर कर रहे हैं। तो कैपेसिटर कोई एक नया टर्म नहीं है, एक फैमिलियर टर्म आपके लिए हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट, ये अगर ये पेन है, ये मार्कर है, इस पर अगर हम कोई चार्ज स्टोर करें तो ये भी एक कैपेसिटर बन गया, ठीक है। अभी उसकी प्रॉपर्टीज लेकिन अलग होंगी, स्फीयर की प्रॉपर्टीज अलग होंगी, इसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी कैपेसिटर बनने पर। कैपेसिटर टू द टू द पोटेंशियल डिफरेंस, टू द पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंस जनरेटेड ऑन इट, इसका मतलब क्या है कि ये निकालने का तरीका है कैपेसिटेंस कि अगर आपको कैपेसिटेंस फाइंड करना है तो आपको क्या करना है, जैसे हमने कहा था यहाँ पे जब डायग्राम बनाएंगे, मान लीजिए एक सरफेस है या एक स्फीयर है, इस पे चार्जेस स्टोर है, ठीक है। अब इस पे क्या कितने हैं, क्यू कूलम के चार्जेस, टोटल हम कह रहे हैं टोटल क्यू कूलम का चार्ज है,
और साथ में ही इसका वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है, तो कैपेसिटेंस का क्या हो जाएगा, Q अपॉन V। अब देखिए ये कुछ हमें बता रहा है, ये क्या बता रहा है कि Q अपॉन V क्या आएगा, एक ऐसा कुछ वैल्यू इसकी आएगी जिसका मतलब क्या होगा, पर यूनिट वोल्ट, है ना। जैसे हम अगर लिखते हैं किलोग्राम, 1-2 किलोग्राम अपॉन 3 मीटर क्यूब, ठीक है, ये क्या है आपको पता होना चाहिए, डेंसिटी क्या है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या बता रहा है, आपने भले ही उसको अपॉन 3 मीटर क्यूब आए, आंसर जो आएगा बाद में, जो वैल्यू आएगी वो 2/3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आएगा। इसका मतलब क्या है कि एक यूनिट मीटर क्यूब में, एक यूनिट वॉल्यूम में आप कितना मास उसमें स्टोर करें, कितना मास है उसमें। इसका भी मतलब यह है कि एक यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस पे, एक यूनिट वोल्ट पे कितना चार्ज ये स्टोर कर सकता है, इसी को कहते हैं उसका कैपेसिटेंस। मतलब जैसे हम कैपेसिटी नाप रहे थे, तो कैपेसिटेंस ऑफ, ये निकालने का तरीका है, रेशियो निकाल लीजिए आप, आपको कैपेसिटेंस मिल जाएगा। अभी कैपेसिटेंस एक्चुअली में, उस कैपेसिटेंस की अगर डेफिनेशन हम लिखना चाहें, ये यहाँ से हटा देते हैं, कैपेसिटेंस की अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो द टोटल चार्ज देखिए अभी पूरा है, क्लियर है, द टोटल चार्ज दैट कैन बी, अभी आपको और क्लियर हो जाएगा, स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर विदाउट एनी इंक्रीज इन, विदाउट एनी इंक्रीज इन इट्स वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा सही रहेगा, मतलब आप समझिए क्या मतलब कह रहे हैं हम यहाँ पे, ऐसे ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक कैपेसिटर पे कितना चार्ज हम स्टोर कर सकते हैं बिना उसके वोल्टेज को बढ़ाए। बिना वोल्टेज को बढ़ाए का क्या मतलब है कि जैसे अगर हम उसको चार्जेस को स्टोर करेंगे तो एक लिमिट के बाद क्या होगा, उसका वोल्टेज हमें बढ़ाना पड़ेगा, तब हम फिर और फर्दर चार्जेस स्टोर कर पाएंगे, अदरवाइज वो चार्जेस लीक कर जाएंगे। लेकिन एक बिना उसका वोल्टेज बढ़ाए, एक पर्टिकुलर एक वोल्ट पे, उस पर कितना चार्ज स्टोर हो सकता है, मतलब अगर उसका वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट है, तो उस पर कितना चार्ज हम स्टोर कर सकते हैं, ये इसका जो रेशियो आएगा, ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, हमारी कैपेसिटेंस आएगी उसकी। तो कैपेसिटेंस क्या है, मेजरमेंट है कि एक कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, और कैपेसिटर क्या है, कोई भी एक ऐसा कंपोनेंट, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो चार्जेस को स्टोर कर सके, ठीक है, ऐसा चीज़ जिसपे हम चार्ज स्टोर कर सकें वो क्या है, हमारा कैपेसिटर है, ठीक है। अभी देखिए, अब कैपेसिटर के बारे में हो गया, थोड़ा सा हम देखते हैं कि कैसे कंस्ट्रक्शंस कैसे होते हैं कैपेसिटर के। इसमें और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं है। मेनली जो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक कैपेसिटर आपको बनाना है, आप कह लीजिए एक बड़ा सा एक गोला ले लीजिए, गोला मतलब एक स्फेयर ले लीजिए, स्फेयर की हिंदी गोला होती है, तो अगर एक स्फेयर आप ले लें और उस पर आप कुछ चार्जेस स्टोर करा दें, कैसे स्टोर कराएंगे चार्ज, देखिए एक बैटरी हमने ले ली और उसको किसी तरह से, और उस पर ये जो स्फेयर है उसको कनेक्ट कर दिया, क्या होगा कि ये अगर नॉर्मल स्फेयर है, एक मेटालिक स्फेयर है, अभी आप देखिए समझिए, अगर एक मेटल का स्फेयर है, एक मेटल है एक, तो क्या करेगा, नॉर्मली ये इधर पॉजिटिव है बैटरी, के इधर नेगेटिव है, तो इस सिनेरियो में क्या होगा कि एज अ सिंपल कंडक्टर ये काम करेगा, क्या करेगा, यहाँ से चार्जेस आएंगे, यहाँ से जो पॉजिटिव चार्जेस यहाँ से मान रहे हैं कि आ रहे हैं ऐसे ऐसे, और यहाँ से होते हुए, इससे होते हुए, इसके थ्रू ऐसे यहाँ से चले जाएंगे, इधर जाके ख़त्म हो जाएंगे, तो चार्जेस ऐसे स्टार्ट हो रहे हैं, इधर जाके इधर ख़त्म हो रहे हैं, मतलब ख़त्म होने का मतलब क्या है, उस प्लेट की जो नेगेटिव प्लेट है उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, ठीक। लेकिन अगर ये मेटल नहीं है, प्योरली कंडक्टिव नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ पे एक ऐसा कैपेसिटर्स होते हैं, स्पेशल सर्फेसेस होते हैं, और प्योरली कंडक्टिव नहीं होते हैं,
तो क्या होगा कि जब हम यहाँ पोटेंशियल लगाएंगे, मतलब यहाँ पे जब बैटरी का एक टर्मिनल कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे टर्मिनल हम कनेक्ट नहीं करेंगे, या फिर कनेक्टेड है लेकिन ये टोटली कंडक्टिव नहीं है, टोटली कंडक्ट नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे जो चार्जेस अभी ऐसे फ्लो हो रहे थे ये फ्लो नहीं हो पाएगा। जैसे देखिए मैं बैटरी में कह रहा हूँ कि आपको ये चीज़ करनी है, ये जो कनेक्शन बैटरी का हमने लगाया था ये हटाना है बस। ये प्योरली कंडक्टिव नहीं है, जो स्फीयर है प्योरली कंडक्टिव नहीं है, ये बैटरी थे, ये प्लस और ये माइनस। अभी इसका माइनस आपको कनेक्ट नहीं कनेक्ट कराना है और इसको जाके ग्राउंड कर देना है, अर्थ कर देना है, अर्थ से जोड़ देना है, ठीक है। आपको इसका माइनस कंडक्ट नहीं कराना, कनेक्ट नहीं कराना है, इसका माइनस आपको कनेक्ट इसलिए नहीं कराना है क्योंकि आप ये कंडक्टिव है तो सीधा डायरेक्ट सारे चार्जेस पास हो जाएंगे। करना क्या है आपको, आप बैटरी का पॉजिटिव एंड जोड़ दिए यहाँ पे, नेगेटिव एंड भी इधर जोड़ दीजिए। ये क्या होगा, इससे अर्थ से भी ये कनेक्टेड रहेगा, इधर कनेक्टेड रहेगा, इससे स्फीयर से भी, लेकिन क्या है स्फीयर जो है कंडक्टिव नहीं है पूरी तरह, तो ये चार्जेस को सीधा सप्लाई नहीं, सीधा फ्लो नहीं होने देगा। क्या होगा, चार्जेस इस पर वन बाई वन एक्यूमुलेट होते जाएंगे, क्या होगा, चार्जेस जो हैं इस पर वन बाई वन एक्यूमुलेट होते जाएंगे। और एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जब ये चार्जेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इतना कितना हो जाएंगे उसकी कैपेसिटेंस से ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब एक वोल्ट पे वो कितना स्टोर कर सकता है उसी हिसाब से हम जितना वोल्टेज दिए रहेंगे, मान लीजिए 6 वोल्ट की बैटरी है तो जितना वोल्टेज हम 6 वोल्ट का अगर दिए रहेंगे तो 6 वोल्ट पे कितना चार्ज स्टोर हो सकते हैं, उतने चार्ज स्टोर होने के बाद फिर ये चार्ज अपने आप लीक होना स्टार्ट कर देंगे, लीक होना मतलब अब ये चार्ज फ्लो होके फिर इधर आना स्टार्ट हो जाएंगे, समझिए आप बात को। ये अगर एक मेटालिक होता तो ये प्रोसेस हो ही नहीं पाता, जैसे ही आप यहाँ पे चार्ज लगाते, बैटरी लगाते, ये चार्जेस फटाफट इससे ट्रांसफर होके माइनस में चले जाते, नेगेटिव टर्मिनल में, लेकिन यहाँ पे कंडक्टिंग नहीं है, कंडक्टिंग ना होने की वजह से क्या हो रहा है कि चार्जेस इस पर एक्यूमुलेट होंगे, डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होंगे। जब एक पॉइंट आएगा कि इसकी कैपेसिटी से ऊपर हो जाएंगे चार्जेस, कि अब इससे ज़्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर सकता है, तो ये चार्जेस अपने आप फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये हम देखिए एक एज अ परमानेंट, जब तक हम कनेक्ट किए रहेंगे तब तक चार्जेस को स्टोर किया है, और इसको स्टोर करने के बाद में अभी मैं बताऊँ कि आपको एक बार चार्जेस सारे स्टोर हो गए फिर आप ये कीजिए, ये यहाँ से यहीं से करते हैं, फिर ये काम कीजिए। ज़रा देखिए ये काम मैं कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, ये करने का मतलब क्या हुआ, ये करने का मतलब क्या हुआ कि आप इसको कनेक्शन चारों ओर से हटा दीजिए, मतलब इसे सेपरेट कर दीजिए कि किसी और सिस्टम से जुड़ा ना रहे, कहीं से टच ना रहे, इसके चार्जेस जा ना सकें। तो ये क्या होगा, चार्जेस इस पर स्टोर रहेंगे, तो क्या है चार्जेस का एक स्टोरेज डिवाइस जैसा हो गया, ठीक है, एक ऐसा कंपोनेंट होगा जो चार्जेस को अपने ऊपर स्टोर कर ले रहा है, और यही है कैपेसिटर, ठीक है। तो एक कैपेसिटर बनाने का सबसे सिंपल तरीका है, लेकिन मैं बताऊं कि ये कैपेसिटर्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं, ज़्यादा चार्जेस आप इस प्रोसेस में लीक कर देंगे तो ये बहुत ज़्यादा आप चार्जेस पे स्टोर नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए एक स्पेशल टाइप का कैपेसिटर। देखिए कैपेसिटर्स बहुत टाइप के बनते हैं और बहुत टाइप के उनके यूजेस भी होते हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है वो कौन सा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये स्फेरिकल कैपेसिटर हो गया, ये क्या है स्फेरिकल कैपेसिटर, और जो दूसरा है जो हमारे सिलेबस में जिसकी डिटेल स्टडी करनी है हमको, जिसके बारे में प्योरली जानना है, वो क्या है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या है कैपेसिटर, आपको समझ में आ ही गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें क्या करते हैं, दो मेटालिक प्लेट्स ले लेते हैं, ठीक है, ये मेटालिक प्लेट्स हैं, मेटल की दोनों प्लेट्स हैं, इसको ये हमारा जो व्यू है 3D में नहीं 2D में दिख रहा है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझ में, यहाँ पे समझना है कि ये प्लेट्स हैं पूरी, ये पूरी की पूरी प्लेट्स हैं जिनको ऐसे रखा गया है, ऐसे देखिए पूरा ऐसे पूरा एरिया आपको दिख रहा है, लेकिन अगर प्लेट को आप ऐसे कर दें सामने से तो केवल एक पतली सी लाइन आपको दिख रही है, वही चीज़ ये पूरी है प्लेट्स, लेकिन हम उनको बगल बगल से देख रहे हैं। तो ये क्या है ऐसा समझ लें आप कि ये दो प्लेट्स हैं, ऐसे दो प्लेट्स हैं, ऐसे उनको ऐसे पास पास में ले आया गया है ऐसे, तो हम ये व्यू देख रहे हैं इधर का व्यू, और इधर का व्यू का मतलब क्या है कि हमें केवल ऐसे दोनों लाइंस दिखेंगी, तो केवल ऐसे दोनों लाइंस मतलब दोनों उसकी किनारे उसके केवल दिखेंगे, बाकी प्लेट्स यहाँ पे नहीं दिख रही है, लेकिन है ये क्या सरफेस है इनके पास, कुछ एरिया है इनका, ये प्लेट्स हैं। क्या कर दिया गया है, ऐसे ही इसको इन प्लेट्स को बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है, मान लीजिए कुछ V वोल्ट की बैटरी है, अभी ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन गया है।
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अब यहाँ का इसका क्या मतलब है, देखिए ये डिस्टेंस बहुत, ये जो डिस्टेंस है डी, इसको मान लीजिए ये बहुत छोटा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बहुत छोटा है, तो इतना छोटा है कि ये जो चार्ज, ये जो करंट है, ये टोटली ब्रेक नहीं है। अभी आप नॉर्मल दो प्लेट्स लें, एक प्लेट यहाँ पे, एक प्लेट यहाँ पे, और फिर इधर पे कनेक्ट कर दें, इधर पे कनेक्ट कर दें, अगर ये ऐसा होता कॉम्बिनेशन, ऐसा एक प्लेट और कनेक्ट कर दीजिए, कुछ होने वाला है क्या? कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्लेट्स इतनी ज़्यादा दूर हैं कि करंट का फ्लो हो ही नहीं सकता है, चार्जेस का फ्लो हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे प्लेट्स जब बहुत ज़्यादा पास पास में हैं तो क्या होगा कि यहाँ पे इनके बीच में जो करंट है, वो जो चार्जेस हैं, वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे। कैसे चार्जेस फ्लो होंगे? देखिए अभी प्योरली कंडक्टिव नहीं है, अगर इसको हम टच करा दें आपस में दोनों को, तो प्योरली कंडक्टिव हो जाएगी। क्या होगा उससे कि हमारा जो करंट है, नॉर्मली जो चार्जेस आएंगे, ऐसे आएंगे, इधर चार्जेस इधर से आ रहे हैं ऐसे, और इससे पास होके बीच में से इधर से निकल के चले जा रहे हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो नहीं, ये ऐसा होता जब आपस में जुड़ी होती, लेकिन ऐसा तो है नहीं, ये कनेक्टेड तो है नहीं प्लेट्स, ये ऐसा, ये कनेक्शन अगर होता तो ऐसे नॉर्मल प्रोसेस हो रहा होता, यहाँ से चार्जेस से होके चले जाते, लेकिन कनेक्टेड है नहीं, तो क्या होगा, ये लिंक नहीं है इनके पास में, ये कनेक्शन नहीं है। अब देखिए यहाँ पे सिनेरियो क्या होगा, ये हटाते हैं इधर से। अब सिनेरियो यहाँ पे क्या होगा एक्चुअली में, कि ये जो चार्जेस हमने बनाए थे, ये नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल कंडक्टिव प्लेट नहीं है, तो ये चार्जेस नॉर्मली ऐसे फ्लो नहीं हो पाएंगे। तो क्या होगा, इधर से पॉजिटिव चार्ज आएंगे वन बाय वन, और इस पर आके एक्यूमुलेट होते जाएंगे, ये जो प्लेट है पहली वाली, इस पर एक्यूमुलेट होते जाएंगे। तो चार्जेस क्या है, इस पर आके इकट्ठा हो गए, एक्यूमुलेट हो गए इस वाली प्लेट पे। उसकी वजह से क्या होगा कि इसके पास जो प्लेट है, इसका पोटेंशियल काफ़ी बढ़ जाएगा, है ना, इसका जो पोटेंशियल है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, बहुत सारे चार्जेस आ गए, ये हाईली चार्ज हो जाएगी। तो क्या होगा, यहाँ की इन दोनों प्लेट्स के बीच में, ये देखिए कैपेसिटर कैसे काम करता है एक्चुअली में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यहाँ इनके बीच में इंडक्शन होगा, तो ये क्या करेगी, एक पॉजिटिव चार्ज, इसका हर अपना पॉजिटिव चार्ज इधर एक नेगेटिव चार्ज को क्रिएट कर देगा। क्या होगा, नेगेटिव चार्ज को क्रिएट करेगा, मतलब इधर से इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा अपनी तरफ, तो ये प्लेट्स इधर पॉजिटिव की तरफ हो जाएंगी, वो सॉरी ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये क्या करेंगे, इधर नेगेटिव, इस पॉली प्लेट पे नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, इंड्यूस से, इंडक्शन से ये अपने पॉजिटिव चार्जेस इधर नेगेटिव चार्जेस को इंड्यूस कर देंगे, और क्या होगा, ये पूरी वाली प्लेट जो है ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और उसी हिसाब से ये पूरा वायर ऐसे नेगेटिवली। अब यहाँ पे जैसे ही आप इसे कैपेसिटेंस की वैल्यू से ऊपर जाएंगे, क्या होगा, चार्जेस लीक होना शुरू होंगे। क्या होगा, यहाँ से एक पॉजिटिव, यहाँ से नेगेटिव चार्ज आएगा, आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और नॉर्मल करंट का फ्लो हो जाएगा। जैसे ही आप इसका किसकी कैपेसिटेंस से इसका वैल्यू बढ़ा देंगे, वोल्टेज का, वो उसका के चार्जेस का, जितने चार्जेस आप स्टोर करा रहे हैं उससे ज़्यादा स्टोर करा देंगे, तो नॉर्मल करंट का फ्लो होता होने आएगा, ये चार्जेस आपस में न्यूट्रलाइज होते होने लगेंगे, ठीक है। तो ये वर्किंग है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, दो प्लेट्स हैं आपस में रखी हुई हैं, दोनों को वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट किया गया है, तो चार्जेस आके एक्यूमुलेट हो गए, और चार्जेस स्टोर हुए, एक्यूमुलेट हुए, क्या कहते हैं उसी को, एक कैपेसिटर, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यही है। अभी इसकी इक्वेशंस भी हैं, लेकिन फिलहाल हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे कि कैसे इसको डेराइव करते हैं, कितना उसका कैपेसिटेंस है। फिलहाल आपको ये जानना है कैपेसिटेंस क्या है, क्यू बाई वी, हम बता चुके हैं ना, कैपेसिटेंस क्या है, क्यू बाई वी मतलब कितना चार्ज स्टोर है अपॉन कितना उसका वोल्टेज है, और क्यू, अब इसकी यूनिट क्या होगी, देखिए क्यू की यूनिट क्या होती है चार्ज की, कूलॉम, और वोल्टेज की यूनिट क्या होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, वोल्ट, और इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है एफ, एफ क्या है, फैराड, फैराडे थे ना, फैराडेज इंडक्शन लॉ हम पढ़े थे, पढ़ेंगे आगे भी पढ़ेंगे और पढ़े होंगे पिछली क्लास में, फैराडेज इंडक्शन लॉ, जो फैराडे का जो लेफ्ट हैंड रूल है, वो उन्हीं जो साइंटिस्ट थे फैराडे, जिनके जिन्होंने इसके ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जिन्होंने खोज की थी, उन्हीं के नाम पे, उन्हीं के सम्मान में इनका नाम, जो कैपेसिटेंस का नाम, कैपेसिटेंस की यूनिट का नाम फैराड रखा गया है। क्या है इसको कैसे लेंगे, एफ ए आर ए डी, फैराड, ठीक है। तो यूनिट क्या होती है कैपेसिटेंस की, फैराड, और फॉर्मूला क्या है, चार्ज स्टोर्ड अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना उसको पोटेंशियल डिफरेंस हम सप्लाई किए हैं, ठीक है, यही है एक उसका कैपेसिटेंस का।
अब कैपेसिटर के बारे में जानेंगे, ऐसा कोई कंपोनेंट, ऐसा कोई डिवाइस जिसपे हम, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसपे हम, जिसमें हम चार्जेस को स्टोर करेंगे, ठीक है। अभी देखिए कैपेसिटेंस तो हो गया, कैपेसिटर्स हो गए, अभी कैपेसिटेंस हम देखेंगे कॉम्बिनेशन। अगर मान लीजिए कैपेसिटर है हमारे पास, अगर आपने कभी डिजिटल अभी सर्किट्स देखी हो, एनालॉग सर्किट, अगर कोई पीसीबी देखी हो आपने किसी इंस्ट्रूमेंट की, इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई भी, जैसे एक रेडियो घर में होता है पुराना, रेडियो पड़ा हो आपके यहाँ, या कोई भी चीज़ ऐसे, कोई भी एक एलईडी बल्ब आप उठाएंगे देखेंगे, तो उसमें क्या होता है, कैपेसिटर्स लगे होते हैं। अब मोस्टली वो कैसे होते हैं कैपेसिटर्स, कुछ तो ऐसे सिलेंड्रिकल वाले होते हैं, इन सब की वर्किंग अलग अलग होती है। थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं डायग्राम, ये कुछ तो ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा शायद, और उनमें आगे क्या होता है, नीचे दो ऐसे टांगे लगी होती हैं, मतलब दो एक कनेक्टिंग डॉट्स होते हैं, और ये जो कनेक्टिंग वायर्स होते हैं ये जाके बोर्ड में जो पीसीबी होती है उसमें जाके सोल्डर होते हैं। ऐसे ही कुछ होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा अगर बगल से, मैं इसका लेटरल व्यू दिखा रहा हूँ, मतलब कि बगल से करके दिखा रहा हूँ, ऐसे नहीं है, ऐसे सामने से दिखा रहा हूँ। कुछ होते हैं ये ऐसे शेप के होते हैं, चलिए बना ही देते हैं, ऐसे ही उसमें लगे रहते हैं, नीचे से ऐसे कनेक्टेड रहते हैं और ऊपर जाके ऐसे एक स्फेरिकल, ऐसे सर्कुलर प्लेट जैसी बनी रहती है। ये पूरी प्लेट ऐसे कलर्ड रहती है, मतलब प्लेट पूरी, ये हॉलो नहीं रहती है पूरी, इस पर एक कोटिंग चढ़ी हुई थी, एक स्पेशल कोटिंग होती है इस टाइप की। एक कैपेसिटर इस टाइप का होता है, कैपेसिटर इस टाइप के होते हैं, इस टाइप के होते हैं, कुछ अलग भी शेप्स के होते हैं, लेकिन जो कॉमनली आप देखते हैं उस टाइप के होते हैं। तो क्या होता है कि अगर आप कई कैपेसिटर्स को कंबाइन करें साथ में, तो कैपेसिटर का जो जनरल यूनिट है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करते हैं जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, ये इसको हम इधर हटा देते हैं इधर, तो ये तो उसका नॉर्मल डायग्राम है, उसके कैसे वो पिक्चर है कैसे होता है। जैसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस को ऐसे बनाते हैं ना, ये रेजिस्टेंस बनाते हैं, रेजिस्टर है, एक ये क्या है, एक रेजिस्टर है ना। बैटरी को कैसे बनाते हैं, ये बेसिक सिंबल्स आप देख लीजिए अगर ना पता हो तो, ये बैटरी, ये प्लस ये माइनस, ये क्या है, बैटरी है एक। बल्ब का है कोई, अगर कोई बल्ब लगा है सर्किट में तो कैसे उसको बनाते हैं भाई, कोई बल्ब लगा है तो ऐसे, ये बल्ब हो गया है ना, ये आपको अभी सीखना पड़ेगा, शायद आपने पहले भी सीखा हुए अपनी पुरानी क्लासेस में, अपनी पिछली क्लासेस में, और नहीं सीखा है तो आपको सीखना पड़ेगा कि सर्किट डायग्राम्स हम बनाएंगे तो वहाँ पर इनका काम रहेगा, और मैं यूज़ करूँगा तो आप वहाँ पर कन्फ्यूजन होगा आपको, इसलिए पहले बताना ज़रूरी है। और ये क्या है भाई, देख के समझ में आ रहा होगा, कोई चीज़ है जो ऑफ है, टच करा देंगे ऑन हो जाएगी, ये क्या है, ये एक की है, की का मतलब पता है ना, चाबी वाली की नहीं, एक कनेक्शन वाली की, मतलब किसी सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए स्विच, जिसे आप कहते हैं स्विच को, सर्किट्स के टर्म में क्या होते हैं, कीज बोलते हैं। तो एक की है जिसको हम, जिस सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए यूज़ होते हैं। और ये अगर आप नॉर्मल जानते हो तो ये ऐसे ऐसे, ये अगर एक सीधी लाइन ऐसे बनी है तो ये क्या है, ये वायर है, एक नॉर्मल कनेक्टिंग वायर दिखा रहा है। और क्या कंपोनेंट्स होते हैं, हमने बल्ब बना दिया है, रेजिस्टर बना दिया, बैटरी बना दी, की बना दी, और सोचिए ज़रा, चलिए बाद में जैसे हम सिलेबस में पढ़ेंगे कंपोनेंट्स के बारे में हम उसको यूज़ करेंगे। फिलहाल हमारे पास जो कंपोनेंट है सबसे इम्पोर्टेंट वाला, वो कौन सा है, हमारा कैपेसिटर। ऐसे देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था ना, क्यों ऐसा यूज़ है, क्योंकि ज़्यादातर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स का ही यूज़ करते हैं कैपेसिटर्स के नाम पे, कैपेसिटर्स के यूज़ में वही प्रैक्टिकल उसका यूज़ है कैपेसिटर का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ऐसे सिंबल बनाते हैं, दो ऐसे लाइन है, देखिए बैटरी से इसका सिंबल अलग होता है, बैटरी में एक लंबी लाइन होती है एक छोटी लाइन होती है, यहाँ पे दोनों बराबर लाइंस होती हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बराबर लाइंस होती हैं तो ये क्या है, कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये क्या है, किसका सिंबल है, एक कैपेसिटर का, ठीक। ये आप कहीं नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको हर बार काम रहेगा, बार बार काम रहेगा, जैसे आप फिजिक्स में आगे पढ़ेंगे, ये रेजिस्टर, ये बल्ब, ये बैटरी, ये की, ये वायर, एक कैपेसिटर। अभी मैं इसको एक सर्किट हम एक बना देते हैं, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एक सर्किट बनाते हैं जिनमें एक रेजिस्टर लगा है, एक बल्ब लगा है और एक वायर उससे कनेक्टेड है, की लगी है। तो कैसे बनाएंगे, ये बैटरी हो गई भाई हमारी, ये प्लस एंड और ये माइनस एंड, ये बैटरी गई है आगे, बैटरी जा करके एक रेजिस्टर से हो रही है, ठीक है, ये रेजिस्टर है R, ये बैटरी का वोल्टेज है V, और ये रेजिस्टर के आगे क्या लगा है,
एक कैपेसिटर लगा है, ठीक, और कैपेसिटर से कनेक्ट होके बल्ब लगा है हमारा, और यहाँ पे हमने लगा दी अपनी की। देखिए यहाँ पे हमने लगा दी अपनी की, की का मतलब जो हमारे स्विच को ऑन या ऑफ करेगी, ठीक है। ये सर्किट बन गई। क्या है सर्किट? ये एक बैटरी से एक रेजिस्टर कनेक्टेड है, उससे एक पर कैपेसिटर सी कनेक्टेड है, और उससे एक बल्ब कनेक्टेड है इसका बी जिसको हम कहते हैं, और एक की हमारी के, ठीक है। ये एक नॉर्मल सर्किट है। की को ऑन करेंगे तो बल्ब जलने लगेगा, ऑफ करेंगे बल्ब बुझ जाएगा। इसके बारे में आपको पढ़ना भी है आगे चल के, आप आगे पढ़ेंगे जब आप क्या पढ़ेंगे इसमें, जो हमारा डैम्पिंग के बारे में, जैसे रेजिस्टर और उसका कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ, जो LCR सर्किट जैसे पढ़ते हैं ना, इंडक्टर के इसमें अगर इंडक्टर भी लगाओ तो LCR सर्किट आएंगे। ये केवल CR सर्किट है, एक कैपेसिटर लगा, एक रेजिस्टर लगा है, ये भी एक रेजिस्टर का ही काम करेगा बल्ब। तो ऐसे एक नॉर्मल आप सर्किट बनाते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सारे सिंबल जो हैं इंपॉर्टेंट जो हैं। एक सिंबल और यहाँ पे जो आप यूज़ करेंगे, कौन सा सिंबल है? दो सिंबल्स हैं एक्चुअली। ये मैं बना देता हूँ, ये ऐसे क्या है भाई? ये क्या है? ये है अमीटर। अमीटर क्या करता है? करंट नापता है कि कितना करंट सर्किट में फ्लो हो रहा है। और ऐसे एक और होता है जिसमें V लिखा होता है बीच में। अगर A लिखा है तो एमीटर, V लिखा है तो वोल्ट मीटर। ये तो पता ही होगा, वोल्ट मीटर जो वोल्टेज नापता है, ठीक है। और एक और चीज़ जो बनाते हैं अभी, जो आपको अभी मैंने बोला भी जिसके बारे में, ये ऐसे सर्कुलर, ऐसे रिंग्स की तरह, स्प्रिंग की तरह। ये क्या है? इंडक्टर। रेजिस्टर और इंडक्टर में अंतर रखिए होता है। रेजिस्टर ऐसे नॉर्मल ऐसे जिगजैग लाइंस बनी होती हैं, और इंडक्टर में हम क्या ऐसे स्प्रिंग जैसा बनाते हैं ऐसे। ये है एक इंडक्टर। तो ये बेसिक सर्किट एलिमेंट्स से कुछ, और उनसे मिला करके हमने एक बेसिक सर्किट बना दी है। अभी हम थोड़ा देखते हैं कॉम्बिनेशन के बारे में। आपने रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा होगा। जैसे मान लीजिए एक सर्किट है, या मान लीजिए एक सर्किट मैं बनाता हूँ, ये प्लस ये माइनस, वी वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे एक कैपेसिटर, एक रेजिस्टर लगा है, और उसके साथ में एक और रेजिस्टर लगा है, सॉरी ये और ये। सर्किट पूरी कनेक्टेड है, ठीक है। ये रेजिस्टर है R1 और ये है R2। ये कैसा कॉम्बिनेशन है पता होगा, आपने क्लास में पहले पढ़ा होगा, ज़रूर पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो बहुत ये आपको जानना ज़रूरी है। इसे जाके इसे बिल्कुल पहले पढ़ लीजिए, तभी आगे आप देखिए, क्योंकि रेजिस्टर्स का हम यूज़ करेंगे तो रेजिस्टर्स की प्रॉपर्टी के बारे में को पता होना चाहिए। तो ये इसको क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब कि जब एक जो है वो दोनों एक सीरीज में, जो बैटरी से डायरेक्टली साथ में कनेक्टेड हो, मतलब इसका एक एंड उसके दूसरे एंड से कनेक्टेड हो, और जो बाकी दोनों फ्री एंड्स बचे वो हम जाके बैटरी में कनेक्ट करें, जिसे हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और एक ऐसे और कॉम्बिनेशन होता है, दूसरा तरीका पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन? इसमें क्या करते हैं, एक रेजिस्टर तो ऐसे लगा, और दूसरा रेजिस्टर क्या करेंगे, ऐसे ही इसी में ऐसे कनेक्ट करेंगे। अभी देखिए ये R1, ये R2। अभी क्या है, दोनों रेजिस्टर्स के जो दोनों वो हैं, जो कंडक्टिंग वायर्स हैं, वो एक एक साथ लगे हुए हैं, और उन जो आपस में जो कनेक्ट हो गए हैं, तो उन कनेक्शंस को फिर जा करके हमने बैटरी से कनेक्ट किया है, ठीक है। तो ये रेजिस्टर का एक कौन सा कॉम्बिनेशन है, इसे बोलते हैं पैरेलल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन तो आपको समझ में ही आ रहा होगा। क्यों समझ में आ रहा होगा? क्योंकि एक पैरेलल में है भी। पैरेलल चीज़ें क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस के बारे में सुना? ये ऐसे पैरेलल लाइंस होती हैं। ये लाइंस क्या हैं? पैरेलल लाइंस हैं। तो ऐसे देखिए, एक कैपेसिटर, उसके पैरेलल दूसरा कैपेसिटर, जैसे बोलते हैं वो दूसरा रेजिस्टर, ये क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। और ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इनमें जो वैल्यूज़ होती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। तो इनमें जो फाइनल रेजिस्टेंस R होगा, वो क्या होगा? R1 प्लस R2 नॉर्मल। R क्या होगा? R1 प्लस R2 दोनों को नॉर्मल हम सम कर देंगे, ये फाइनल हमारा रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का आ जाएगा। और अगर इस केस में देखें, पैरेलल केस में, तो क्या होता है, अगर टोटल का रेजिस्टेंस अगर R है, तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है ना। 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2। इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे? ये क्या R इक्वल्स
उल्टा कर देंगे, आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, ये भी एक तरीका है लिखने का, सीधा एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दिया है, आर वन इक्वल टू आर इक्वल्स आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। तो ये था रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन का, ये मुझे मैंने आपको एक डिवाइस करा दिया, इसी बेस पे हम आगे कैपेसिटर्स का, तो कैपेसिटर का क्या होता है, इससे उल्टा होता है, मतलब कि कॉम्बिनेशन तो वही रहेगा भाई, कॉम्बिनेशन तो वही रहेगा, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे, तरीका तो लगाने का वही है, फॉर्मूला में थोड़ा चेंज आएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक, एक बैटरी लगी, प्लस माइनस, एक कैपेसिटर बगल में सीधा सर्किट से कनेक्ट करके दूसरा कैपेसिटर, ये क्या हो गया, ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, ये ऐसे हटा देते हैं, यहाँ से यहाँ पे लिखते हैं सीरीज, SERIES कॉम्बिनेशन, और इस पे टोटल कितना होगा कैपेसिटेंस C, अगर ये C1 है और ये C2 है तो C क्या होगा, जब सीरीज होगा, देखिए सीरीज में उसमें क्या होता, नॉर्मल ऐड हो जाता, यहाँ पर नॉर्मल ऐड नहीं होगा, C क्या होगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, वही चीज़ कि क्या बता रहा है, वन अपॉन C इक्वल्स वन अपॉन C1 प्लस वन अपॉन C2, ये इसमें सीरीज में ऐसा होता है, सीरीज में ऐसा होता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होगा आप समझ सकते हैं पैरेलल में कैसा होगा, इसका उल्टा, जैसे रेजिस्टर में जो सीरीज में होता था वो यहाँ पे पैरेलल में होता है, दूसरा क्या होगा पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्या होगा इस पे, एक बैटरी लगी है, ये एक लगा, और इसी के साथ में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया डायग्राम, गड़बड़ नहीं, डायग्राम तो सही था लेकिन बस बनाने का तरीका थोड़ा मुझे सही नहीं लगा, क्या करेंगे बीच में लगाते हैं, और इससे जुड़ करके जैसे उसमें लगाया था बगल में ही, ये C1 और ये C2, समझ में आ रहा है ना, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में C क्या होता है, C1 प्लस C2 नॉर्मल, आप ये दोनों एक दूसरे से रिलेट कर पा रहे हैं ना, रेजिस्टर उसका, देखिए रेजिस्टर वाले में क्या था, रेजिस्टर वाले में सीरीज में सीधा सम हो जा रहा था, पैरेलल में अपॉन करके आपको सम करना था, कैपेसिटर वाले में सीरीज में नॉर्मल सम नहीं हो रहा, सीरीज में आपको अपॉन में करना है, और जो नॉर्मल आपका पैरेलल वाला था उसमें आपका नॉर्मल सम हो रहा है, सीधा C1 प्लस C2, और यूनिट क्या रहेगी, सम और डिफरेंस होगा कुछ भी, फैरड रहेगी, क्यों, क्योंकि कैपेसिटर्स की यूनिट क्या होती है, फैरड होती है, ठीक है। तो ये था हमारा कैपेसिटर्स के बारे में, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में, अगली क्लासेस में हम और इसके बारे में पढ़ेंगे, कैपेसिटर्स क्या होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, उनके बारे में, यूज़ करना तो हमें यहाँ पे सर्किट में हमने बेसिकली सीखा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में हम और पढ़ेंगे कि कैसे उसमें हम चेंजेस कैसे करते हैं, एक मटेरियल होता है डाइलेक्ट्रिक, कैपेसिटर्स के बीच में हम डाइलेक्ट्रिक लगा देते हैं तो उससे कैपेसिटर्स में चेंज होता है, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर हम सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। तो अभी आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगली क्लास में देखेंगे, ये आप इसको चाहिए मैं छोटा करके यहाँ पे रख दिया है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ये कैपेसिटर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये हुआ हमारा रेजिस्टर्स का, ये मैं ऊपर लिख देता हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, वो कैपेसिटर का था रेजिस्टर्स, ठीक। अभी रेजिस्टर्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, कैपेसिटेंस पढ़ लिए, उसके बाद हम जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें ओम्स लॉ वगैरह पढ़ना पड़ेगा, ओम्स लॉ में हम रेजिस्टर्स के बारे में पूरा अच्छे से डेफिनेशन पढ़ेंगे, रेजिस्टर क्या होता है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपको नहीं पता तो ये आपकी एक मिस्टेक है, नहीं पता फिर भी हम आगे आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में ये पूरा पढ़ेंगे, रेजिस्टर्स क्या होते हैं, रेजिस्टर्स की कॉम्बिनेशन वगैरह सब पढ़ेंगे, फिलहाल आप एक देख लीजिए आपको याद रहेगा आगे के लिए, ठीक है। और ये था हमारा कैपेसिटर्स वाला। तो आज की क्लास में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।